नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह। न्यूज 18 के लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन की, जो अब बच्चों को भी लगनी शुरू हो गई है। 12 से 14 साल के बच्चों को कल से वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं डॉक्टर समीर आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि ये वैक्सीनेशन क्या है। आप इस वैक्सीन के बारे में बताइए, क्या कुछ खासियत है जो इस बच्चों को लगने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल से ही न्यूज आई है तो इसके बाद हमारे पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे भी, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम जो बच्चों के लिए वैक्सीन लगा रहे थे 15 साल और 15 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए, उनके लिए हम कोवैक्सीन लगा रहे थे, पर अभी ये कोर्बेवैक्स वैक्सीन आई है दूसरी, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ये वाला कंसर्न है कि ये वैक्सीन बच्चों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कोवैक्सीन भी बच्चों के लिए अप्रूव हुई थी जो 12 साल से ऊपर का एज ग्रुप है। तो इसमें हमने पेरेंट्स को सबको यही बताना चाहते हैं हम कि जो ये वैक्सीन भी है, ये वैक्सीन भी पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि जो बच्चों के लिए जब भी हम वैक्सीन की बात करें तो काफी समय लिया है इसमें, पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसको अप्रूव किया है, उसके बाद फाइनली डीसीजीआई ने अप्रूव किया है, और जो ये वैक्सीन है कोर्बेवैक्स, जो प्रोटीन सब यूनिट जो ये वैक्सीन है, ये ऑलरेडी पहले से भी ये वाले प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं, तो ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है बच्चों के लिए। इसका जो फेज 2 ट्रायल डेटा देखा गया था उसके अंदर इसकी पूरी सेफ्टी को अच्छे से चेक किया गया है, जी बच्चों के अंदर किसी भी तरह का कोई इस तरह का कोई लोकल रिएक्शन या फिर वैक्सीनेशन के बाद कोई भी किसी तरह के इस तरह के साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। तो ये सब बातें हमने पेरेंट्स को जिस तरह से भी जो भी इस तरह के सवाल आ रहे थे उनको क्लियर, क्योंकि पेरेंट्स को ज्यादा सवाल जो है सेफ्टी को लेकर रहता है, तो बिल्कुल वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है, और सभी अभिभावकों का एक सबसे बड़ा डाउट ये है कि हाउ टू रजिस्टर इट। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पंजीकरण कैसे करें, आप ये भी बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब पंजीकरण की बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो बिल्कुल प्रोसेस सारा सेम है जैसे जो हमारे अडल्ट्स के लिए रहा था, या जो उसके बाद हमारा सेकंड जो बच्चों के लिए भी हमारी वैक्सीनेशन चल रही थी, आप कोविन के थ्रू आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद ऑफलाइन भी आप आके वैक्सीनेट करा सकते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ऑलरेडी आपका जो कोविन के ऊपर रजिस्ट्रेशन जो आपका बना हुआ है पहले से अकाउंट, उसी में आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अभी जो बच्चे हैं 12 साल 13 साल 14 साल, उनके लिए सिर्फ कोर्बेवैक्स ही उपलब्ध है, उनके लिए और दूसरी कोई वैक्सीन नहीं है, यही वैक्सीन उनको लगेगी। और दूसरा इसके अंदर ये है कि वही जैसे 15 साल के बच्चों के लिए था कि 28 दिन का इसके अंदर डिफरेंस है, फर्स्ट डोज लगेगी और सेकेंड डोज आपके 28th डे पे लगेगी, तो कोई जी बहुत ज्यादा ना पंजीकरण में फर्क है ना इसकी जो डोजेज है डिफरेंस उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क है। ये भी इंट्रामस्कुलर लगेगी जैसे आपकी पहले आप लोगों को जो वैक्सीन, अडल्ट्स को जो वैक्सीन लगी गई है, तो प्रक्रिया सारी वही सेम रहेगी, लगने के बाद वही आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, तो ऑलमोस्ट सभी चीजें सेम है। ठीक है जी। डॉक्टर समीर, प्रशासन और डॉक्टर्स के क्या कुछ इंतजामात हैं सेंटर्स पे, क्या कुछ वहां पर मतलब गाइडेंस के लिए भी और फैसिलिटी के हिसाब से क्या क्या तैयारियां की गई हैं। जी, देखिए इस वैक्सीन को लगाने के लिए कोई बहुत ज्यादा विशेष तैयारी की जरूरत पड़ी नहीं, हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आपने सुना होगा जब जाइकोव डी अप्रूव हुई थी तो जाइकोव डी एक डिफरेंट टेक्निक पे थी, क्यों वाली वैक्सीन निडललेस वैक्सीन थी, तो उसके लिए हमें बहुत अलग तरह की चीजें देखनी पड़ रही थी, हालांकि वो रोल आउट नहीं हुई है। ये वैक्सीन में तो प्रक्रिया सारी सभी तरह की सेम है, तो लॉजिस्टिकली वैसे कोई हमें चैलेंज नहीं है अगर इंडिया के हिसाब से हम देखें, क्योंकि इसका एक तो टेम्परेचर वगैरह भी उस तरह से मेंटेन नहीं करना, 2 to 8 डिग्री पे आराम से हम इसको रख सकते हैं, इसके अलावा इसका लॉजिस्टिकली एडमिनिस्टर करना इसको बहुत ज्यादा चैलेंज है, अलग से कोई हमें स्पेशल कोई ट्रेनिंग देने की किसी को जरूरत नहीं है, हमारा एग्जिस्टिंग जो नर्सिंग स्टाफ है जो पैरामेडिक्स है वही सब इसी प्रक्रिया को आगे करेंगे। हाँ एक कुछ और ऐसे सवाल थे पेरेंट्स को कि भाई पहले बच्चे को हमारे कोवैक्सीन जो भी लगी है उनको अब उसी फैमिली में दूसरे बच्चे को दूसरी वैक्सीन लग रही है, तो कोवैक्सीन क्योंकि ऑलरेडी अडल्ट्स को भी लगी थी तो उसकी वैक्सीन एफिकेसी माना देखी, जा रहा है हाँ उसकी जी। एफिकेसी उन्होंने देखी है सब कुछ, तो कई बार ये इस तरह के भी कुछ सवाल रहे थे कल हम लोग के पास कि इसका एफिकेसी कैसी रहेगी, तो जी एफिकेसी के बारे में भी हम बताना चाहेंगे कि इसका जो सेकेंड फेज ट्रायल हुआ था ये काफी अच्छी एफिकेशियस वैक्सीन है, डेल्टा पे भी इसका ट्रायल हुआ था जो कि काफी ज्यादा हमारा वेरुलेंट वेरिएंट था, उस पे भी इसका अच्छा जो है एफिकेसी रही थी, और इसके अलावा एक खास बात है कि इस वैक्सीन के जो
कुछ डेटा है उसके अनुसार इसका जो आपका, जैसे हम बाकी जो हमारी वैक्सीन है उसमें देख रहे थे कि 6 महीने के बाद भी जो एंटीबॉडीज लेवल है वो डिक्लाइन हो रहा था, बट इस वैक्सीन के अंदर 8 महीने के बाद भी एंटीबॉडीज टाइटर आपका काफी अच्छा रहता है, तो इसकी अच्छी बात है। तो आई थिंक बिना झिझक के पेरेंट्स को वैक्सीन आराम से लगवा लेनी चाहिए। जी डॉक्टर समीर, अगर किसी ने वैक्सीनेशन लगाया, ये वाला वैक्सीनेशन लगाया, और उसके बाद जो सीरियसली इल जो होते हैं लोग, बच्चे या फिर कुछ भी, तो वो कम होने के चांसेस कितने हैं? आई मीन, अगर कोई सीरियसली इल होता है तो फिर कितने परसेंटेज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बच्चों के हम बात करें तो खास तौर पर अगर हम मतलब ग्लोबली डेटा भी पूरा देखें, विश्व का जो पूरा डेटा भी आया था, तो बच्चों में बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं देखी गई थी। पर निश्चित तौर पे जैसे आपने बात करा कि बच्चों में भी एक ऐसी संख्या है जो कोमॉर्बिड होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, बट निश्चित तौर पे उनके लिए तो वैक्सीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वैक्सीन का बिल्कुल काफी उनके ऊपर अच्छा इफेक्ट देखा गया है कि वैक्सीन लगने के बाद आपकी जो सीवियरिटी है डिजीज की वो काफी, आपका हॉस्पिटलाइजेशन, आपको आईसीयू पहुंचने तक की नौबत नहीं आती है, तो इसलिए लगाना जरूरी है। और एक अभी जो फिलहाल अभी जैसे अभी वैक्सीन रोल आउट हो रही है तो एक राइट टाइम है, क्योंकि जब ओमिक्रॉन चल रहा था हमारा जनवरी के अंदर, और जब 3 जनवरी से हमारी जो टीन्स के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुई थी उस टाइम तो ओमिक्रॉन भी चल रहा था, फिर भी बच्चे काफी उत्साहित थे, पेरेंट्स भी काफी। बट इस समय तो कोई ऐसा अभी फिलहाल कोई वेरिएंट और कोई ऐसी वेव नहीं चल रही है, तो अभी राइट टाइम है, तो बिल्कुल तुरंत जाके वैक्सीन बच्चों को लगवा लेनी चाहिए। डॉक्टर समीर, मैं ये बात हो गई रूरल एरियाज की, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स के नंबर से या फिर जो जो पंजीकरण करने के लिए आते हैं वो आधार कार्ड ही बनवाते हैं और वहाँ पे हो जाता है रजिस्ट्रेशन। लेकिन अर्बन एरियाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा। जैसे कि मैं अपना इंस्टेंस बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मेरे घर में मेड आती हैं, उनका बहुत टाइम तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने कहीं पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो भी किसी अननोन के फोन पर, जो नंबर जो है वो उनका था, जिसकी वजह से उनका वैक्सीनेशन हर जगह पे टाल दिया जा रहा था क्योंकि उनका नंबर जो है वो ऑलरेडी कहीं पे रजिस्टर्ड था। अब ना वो लगवा पाए, अब जो उनके बच्चे हैं वो कैसे लगवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक नंबर से 4 रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाते हैं डेफिनेटली। और दूसरा आईडी की, जहां तक हम स्कूल आईडी को भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे जो आईडीज के, तो ज्यादातर अगर आप जैसे सेमी अर्बन या शहरी क्षेत्रों की बात करें तो बच्चे ज्यादातर स्कूल चाहे सरकारी से वो अटैच्ड होते हैं, तो वहां से वो लेटर लेकर आते हैं, तो उस लेटर को भी ऑनर किया जाता है। और रही बात नंबर की, तो नंबर 1 नंबर से 4 हम कर सकते हैं रजिस्टर्ड, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको फिर असिस्ट किया जाता है, क्योंकि अब शहरों की बात करें तो स्कूलों के अंदर भी काफी वैक्सीनेशन हो रही है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह की वैक्सीनेशन। ऐसा कोई चैलेंज अगर किसी को आता है तो निश्चित तौर पे वो अपने जो भी उनके साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पे जाके कॉन्टेक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में तत्काल हेल्प करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है, हॉस्पिटल हाँ या फिर कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे? जी बिल्कुल, हमारे जितने भी सीवीसीज है, आपके जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है, सब पे इस तरह की मतलब सबको भी डायरेक्शंस दी गई है स्पेसिफिकली कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वैक्सीनेशंस होगी होगी। और अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पे उस तरह की पहले जैसी भीड़ भी नहीं रही है, तो वहां पर बिल्कुल असिस्ट किया जाता है बच्चों को किसी भी तरह से, तो मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पर उनको उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और हमारे अभिभावकों को सारी वो डिटेल या डाउट्स बताने के लिए। थैंक यू सो मच।